अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और बनाते हैं आज मज़ेदार सी रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड, और आपके साथ शेयर करते हैं। आप यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है और उसको पैन में मैंने डाल दिया है बॉयल होने के लिए। बॉयल होने के बाद इस पर हम फिर अगला स्टेप करेंगे। चीनी जो है वो अच्छी तरह से दूध में पक चुकी है, तो आज मैं फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं हम लोग बहुत सारे फ्राई चीज़ें खा रहे हैं, डीप फ्राई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम कुछ मीठा खाएं, थोड़ा हल्का फुल्का सा मीठा हो जो हम खाएं। तो मैं आज बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध में 3 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर डाला है। मैंने यूज़ किया है वनीला फ्लेवर्स, आप कोई सा भी कस्टर्ड ले सकते हैं। अब हम इसको दूध में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, आपने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें इसको मिक्स करते जाएं। पाउडर को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है पाउडर का वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे और फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है, इसको मैं अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें सारे फ्रूट जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम सेब, एक छोटा सेब लिया था मैंने, 1 कीवी ली थी मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे, और ये बादाम लिए थे मैंने, 7 से 8 बादाम थे, और थोड़ी सी मैंने ये किशमिश ली थी। अब मैं इसमें 3 जो बनाना है वो लिए मैंने, वो ऐड करूँगी। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। आप इसे ईद पे भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, आप अफ्तारी में भी इसे बना सकते हैं। इसे बड़े और छोटे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत मज़ेदार ये फ्रूट कस्टर्ड बनता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी का जैम सा बना लिया था, वो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करती हूँ, इसमें आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको आपने साइडों पे डाल देना है, इसे मिक्स करना है, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है कस्टर्ड का। ये जो मैंने स्ट्रॉबेरी जो इसके ऊपर मैंने ऐड की है, स्ट्रॉबेरी के 8-10 पीस थे मेरे पास, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून उसमें चीनी डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया था, उसका ये एक जैम की तरह बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी जो है वो इसमें यानी फ्रेश स्ट्रॉबेरी इसमें नहीं डाली, मैंने इसका जैम सा बना के डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब आप इसकी बाइट लेते हैं तो आपकी बाइट में ये बहुत यमी लगता है। आप इसको रेडी करने के बाद फ्रिज में रखें, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक भी दिया करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और उसके बाद उसे लाइक, शेयर और कमेंट किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं एक मज़ेदार सी यमी यमी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।